हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलाई मास्टर में। आज हम सीखेंगे बेल्ट कैसे बनाते हैं जो गाउन में कमर में बांधी जाती है। और रेब कपड़े में 3.5 इंच का निशान लगाना है, जिससे हम फ्लावर बनाएंगे वो। और रेब कपड़ा काटना है हमें। बेल्ट के लिए कपड़ा बिछा लेंगे और इसकी चौड़ाई हम काटेंगे 5 इंच से, जो 2 इंच तैयार आएगी। और ये 2 मीटर पूरी लंबाई रहेगी बेल्ट की। तो हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद निशान से काट देंगे, यानी 5 इंच चौड़ा हमें काटना है जो 2 इंच तैयार आएगा। बेल्ट में भी हम सिलाई लगा लेंगे, पर बेल्ट की सिलाई लगाते समय हम बीच सेंटर में तकरीबन 2 इंच छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे, ताकि हम बेल्ट को आसानी से बल्टा सकें। और ये पट्टी में एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसमें हम हल्के हल्के चुन या प्लेट डाल लेंगे, ताकि फूल बना सकें।
अब हम सारी जिनमें सिलाई लगाई थी अब उनको सबको पलटा लेंगे, बेल्ट को भी पलटा लेंगे, और बेल्ट को पलटाने के बाद इनमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें।